क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इन प्लेनेर या डाइजेस्टिव सिस्टम इज़, प्लेनेरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है? ट्यूब लाइक होता है, सेक लाइक होता है, इनकम्प्लीट होता है, या फिर बोथ बी एंड सी। जो प्लेनेरिया होते हैं वो फ्लेट वर्म होते हैं एंड फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस से बिलोंग कर रहे होते हैं। इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है या फिर सिंपल होता है। सिंपल या इनकम्प्लीट क्यों होता है? बिकॉज इनके पास एक सिंगल ही ओपनिंग होती है जिनसे वो फूड को इनगल्फ भी कर रहे होते हैं एंड उसी से ही फूड को एक्सक्रिएट आउट करते हैं। सो हियर द ऑप्शन करेक्ट इज़ बोथ बी एंड सी। बी इसलिए क्योंकि उनके पास सेक लाइक होता है, सिंपल ओपनिंग, सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, और ये इनकम्प्लीट भी होती है। कम्प्लीट वो होती है जिनके पास दो ओपनिंग हो, माउथ भी हो एंड एनस भी हो। इनके पास तो सिर्फ एक ही ओपनिंग है, सो उसे हम माउथ भी कह सकते हैं एंड एनस भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया लाइव, फूड को इनगल्फ भी ये यहाँ से करेंगे, हम इसके माउथ का आइटम यूज़ करते हैं, एंड एक्सक्रिएट भी यहाँ से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इन ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम इज, ह्यूमन के पास डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है? कंप्लीट होगा, ट्यूब लाइक होता, सेक लाइक, या फिर बोथ ए एंड बी। अब ह्यूमन के पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक ट्यूब लाइक भी होता है एंड कंप्लीट भी होता है लाइक दिस। यहाँ माउथ से स्टार्ट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड जाकर एनस में ख़त्म हुआ। ये जो लंबा सा प्रोसेस चल रहा होता है इनको हम क्या कहते हैं? ट्यूब लाइक। ये देखो बिल्कुल ट्यूब लाइक है एंड ये कंप्लीट भी है। कंप्लीट इसलिए है क्योंकि इनके पास दो ओपनिंग है, माउथ भी एंड एनस भी। कंप्लीट इस ओके ट्यूब लाइक इसके इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल जिसको देखो ट्यूब जिस तरह ही है। ये यहाँ पर मैंने आपको लाइव दिखा दिया, ये हमारे पास माउथ है एंड यहाँ पर एनस। माउथ से स्टार्ट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड जाकर एनस में ख़त्म हुआ। यहाँ पर आपको और क्लियर दिखाई देगा, स्टार्ट हुआ माउथ से एंड ख़त्म हुआ कहाँ पर? आकर एनस से। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही आई, लेकिन ये रेबिट का है, ये हमारे ह्यूमन का है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड, ह्यूमन के पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो होता ही है, इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये बिल्कुल ट्यूब लाइक भी है, इनको हम और भी टर्म यूज़ करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलावा और भी कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि लिवर है। लिवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में काउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि ये इस ट्यूब से बिल्कुल अलग है। मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, ये इस ट्यूब से बिल्कुल अलग है, ये है हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लेकिन ये जो लिवर आप देख रहे हैं, लिवर इससे सेपरेट है, इसको हम क्या यूज़ इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स, एंड ये ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर एट्सेट्रा, इनका टर्म यूज़ किया जाता है एक्सेसरी ग्लैंड्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे कि लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एट्सेट्रा, क्या यूज़ करेंगे? एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्वेश्चन 7 इज, टीथ आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जो टीथ होते हैं, टीथ मैकेनिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं होता, केमिकल मीन्स एंजाइम वगैरह टीथ में मौजूद नहीं होते हैं, तो ये जस्ट मैकेनिकल डाइजेशन में ही इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ग्राइंडिंग, च्यूइंग एट्सेट्रा।